क्या आपको नहीं लगता कि कुछ कलाओं का आपके अंदर न होने के वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं? अगर आप कुछ कलाओं को अपने अंदर ला लेते हैं, कुछ स्किल्स अगर आप सीख लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। कौन से स्किल्स हैं जो आपको अभी सीखना ज़रूरी है? ऐसी कौन से स्किल्स हैं जो आप बहुत सालों से सीखना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक आप काम ही नहीं कर पाए? अपने आप से सवाल पूछे दोस्तों कि ऐसी कौन कौन से स्किल्स हैं जिसके ऊपर अगर अभी से भी आप काम करना शुरू कर देते हैं तो एक साल दो साल के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जो भी स्किल्स आप अपने मन में सोच रहे हैं, वो स्किल्स को सीखने के लिए आप क्या क्या एक्शंस लेने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको ही चेंज करना होगा। कोई भी पर्सन आके आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाला है। आज डिसीज़न ले लीजिए दोस्तों कि ऐसी कौन कौन से स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप काम करने वाले ही हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तक हो सकता है कि बहुत सारे बहाने आपने अपने आप को दिए होंगे, हो सकता है कि बहुत सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया होगा, ये भी हो सकता है कि बहुत बार आपने कोशिश की होगी कुछ कलाओं को सीखने की लेकिन आप नहीं सीख पाए। दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपका जन्म अभी हुआ है, अभी आप जाग चुके हैं। आज के बाद आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, उसके लिए आप तैयार हैं। क्योंकि आपको पता है कि समस्या सिर्फ उसी इंसान के जीवन में आती है जो आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोशिश करना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो इंसान उस इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो कोशिश ही नहीं करता। हमें अपने जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो जो भी कलाएं आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, कोशिश कीजिए, आज से लग जाइए। जो भी स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए आज से काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि आप कब तक रुके रहेंगे, कब तक किसी का वेट करेंगे दोस्तों, कब तक आप डिपेंड रहेंगे। मत रहिए। कुछ कलाएं हमें सीखनी ज़रूरी होती है हमारे जीवन में, नहीं तो हम उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों। अब आप जो भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आई डोंट नो, बिकॉज आप सभी लोगों की लाइफ डिफरेंट है, सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको कौन से स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सी कलाएं हैं जिस वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उसके लिए क्या क्या एक्शंस लेंगे। आप में से जो इंसान लीडरशिप स्किल्स सीखना चाहता है, उसे क्या क्या एक्शंस लेना होगा, कौन सी बुक पढ़ना होगा, कौन सा वीडियो देखना होगा, यू हैव टू टेक द डिसीजन नाउ, राइट नाउ। आप में से कोई चाहता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना है, सो यू नीड टू डिसाइड कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, कौन से ट्रेनर से आप सीखेंगे जिससे आप टाइम मैनेज कर पाओ, या फिर आपका कोई दोस्त है जो बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करता है, उससे आप सीख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको आज ही डिसाइड करना है। आप में से कोई इंसान होगा जो मैनेजमेंट स्किल सीखना चाहता है, तो मैनेजमेंट के रिलेटेड दोस्तों गूगल में बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो भी स्किल्स आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या एक्शंस लेते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक नॉर्मल इंसान और एक इंटेलिजेंट इंसान में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, और वो ये कि नॉर्मल इंसान सिर्फ सोचते रहता है और इंटेलिजेंट इंसान एक्शंस लेता है। नॉर्मल इंसान और इंटेलिजेंट इंसान दोनों को, सभी को एक जैसी ही बातें पता रहती हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान जो होता है दोस्तों, वो हमेशा एक्शंस लेता है, अपने आप को इम्प्लीमेंट करता है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है और हर दिन बदलाव लाता है। आप अपने आप से सोचिए ज़रा कि आप अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। अगर नहीं ला रहे हैं तो आप किस लिए रुके हैं दोस्तों? ऐसी कौन कौन सी कलाएं हैं जो आपको नहीं आती है तो आप रुके हुए हैं?
इनफैक्ट आप किसी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जिस इंसान के ऊपर आप डिपेंड है वो भी आपके जीवन में उतना कुछ खास बदलाव नहीं ला रहा है। तो क्यों हम दूसरों को डिपेंड रहकर, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? इस वीडियो, इस ऑडियो का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप आज से डिसाइड कर लीजिए कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपको सीखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसी कौन सी कलाएं हैं जो आप नहीं सीखते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप बढ़ना चाहते हैं। आज ही डिसीजन लीजिए दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आज ही निर्णय ले लीजिए कि कौन सी कलाएं हैं जो सीखने के लिए आप कितना समय देने वाले हैं, आप क्या क्या एक्शंस लेंगे, और ऐसी कलाएं आपको लिखना है दोस्तों जिन कलाओं को सीखने के बाद आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा और हमेशा हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर कुछ कुछ कलाएं होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली कला होती है दोस्तों हमारा खुद का मैनेजमेंट। खुद का मैनेजमेंट जो इंसान कर लेता है दोस्तों, वो टाइम मैनेज भी कर पाता है, उसके अंदर लीडरशिप की कला भी होती है, कॉन्फिडेंस की भी कला होती है, हर चीज़ वो कर पाता है बिकॉज वो इंसान को पता है कि खुद को कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले खुद को मैनेज कैसे किया जाए ये आपको सीखना होगा। और भी कौन कौन सी कलाएं हैं वो आप लिखिए, उसके ऊपर आज से ही काम शुरू कर दीजिए, अपने आइडियल पर्सन बनाइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आपके आइडियल पर्सन कौन हैं। मान के चलिए कि आप अपने कॉन्फिडेंस स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि आपके आइडियल पर्सन कौन हैं जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं और आपको बहुत कॉन्फिडेंस उनका पसंद आता है। इस ऑडियो में जो भी मैंने बताया है, मैं समरी बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने अंदर कौन सी कलाएं, कौन से स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है वो आज आपको जानना है। जो भी स्किल्स, सेकंड थिंग, जो भी स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या क्या एक्शंस लेने वाले हैं वो आपको लिखना है। तीसरी चीज़, जो भी स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हैं उस मामले में आपके आइडियल पर्सन कौन है वो आपको लिखना है। तो ये सारा का सारा कमेंट कीजिए नीचे ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कितने लोगों ने इस ऑडियो को सुना है और कौन क्या एक्शंस लेने वाला है। सो आर यू एक्साइटेड? आई एम श्योर यू आर। कमेंट कीजिए नीचे, ऑलराइट? और आज से अपने स्किल्स की नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच।